हाय एवरीवन, स्नेला प्रॉड पहाड़ी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, हमारे गांव में आज सफाई होने वाली है, तो सारी महिला मंडल की जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी वहां पे असेंबल हुई है आगे, और मुझे देर हो गई है, मुझे भी जाना पड़ेगा आगे। आर्यांश मामा चला गए, मामा चला गए, मामा आगे नहीं आ रहे। और ये सेब खा रहे आप हरे हरे अभी, और ये है रियांश मेरा भतीजा, और ये हमारी फैमिली में सबसे छोटा है ना रियांश? नहीं है ना। और ये है रियांश की मम्मी, ये है रियांश की मम्मी। आप नहीं आ रहे? और ये इसको हरा सेब बोल रहे थे, और ये भी आ रहे हैं। मैं भी चलो, आप भी। हाँ, कहाँ जा रहे हम? घास काटने। हाँ, गांव में गलियां साफ करने, क्योंकि जो अभी बरसात का मौसम है तो हमारे गांव के आसपास और गांव में बहुत ज़्यादा भांग लगी, भांगी और घास काफ़ी बढ़ चुका है। तो वैसे तो आसपास लोग सफाई करते हैं अपने घर के आसपास, लेकिन जहां ऐसी जगह है जहां किसी का कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि सिर्फ गांव का ही है वो, तो वहां पे हम जा रहे हैं भांग काटने और घास काटने, जो भी है खरपतवार सबको काटने जा रहे हैं। तो बाकी निकल गए आगे, हम दोनों रहे हैं और हमारा भी शायद वेट कर रहे होंगे आगे, तो हम चलते हैं और मिलते हैं आपको बाद में। जो ग्रास वाला मैदान है ना हमारा आगे, जहाँ सारी गांव की औरतें असेंबल हुई है, हम वहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं हम अपने साथ। बाय बाय रियांश, बाय बाय करो क्योंकि आप अभी है हमारे साथ। बाय रियांश, बाय कर रहा है। तो हम जा रहे हैं, यहाँ पे रखे है मैंने दराटी, ये वाली दराटी। और ये है हमारी खानदानी खोली, शिल खोली। ये देखिए, ये पूरी पत्थर की बनी है, और हम यहाँ से बाहर जाएंगे। इसको मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया है आपको। तो हम अब निकल चुके हैं और हम दिखाते हैं कि हम किस तरह से तैयार होके जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो शूज़ हैं, हमारे जूते, वो दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये है डक बैग, इन्होंने भी डक बैग लगाए हैं, और मैं तो ये है हमारे जूते दोनों के, तो हमने इस तरह से जूते पहने हैं, और ये अक्सर हम यूज़ करते हैं बर्फ़ में और खेत जाने के लिए, और फिर जैसे कि अभी जा रहे हैं कहीं, ये कंफर्टेबल होते हैं। तो अब चलते हैं हम आगे, और वो देखिए हमारी जो लेडीज़ हैं वो वहाँ पर खड़ी है। ये है अहिल्या, और इनका नाम इतना प्यारा है कि अहिल्या ना है, मैं इनका प्यारा, और सारे यहाँ पे इनको गान आल्टी बोलते हैं, लेकिन मैं अहिल्या बहन जी बोलती हूँ, है ना। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और ये है पिशकू की मम्मी, और ये है तली देवी, नमस्ते। और ये है बबली, ठीक है, और ये है अरुण की, वरुण के दादी। तुम देखो नहीं ना, और ये है केवल राम। नमस्ते। हाँ देखो फ्रेंड्स, ये आपको नमस्ते कर रही हैं, और पिछले साल भी इसी टाइम, मतलब यही वाला मौसम था, और इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम ये वाला काम क्यों कर रहे हैं। तो इस बारे भी हम इनसे पूछेंगे कि क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये काम। साफ सफाई है गांव में, क्योंकि बरसात में भांग घास खरपतवार इधर फिल्ले होते हैं। हाँ हाँ, वो भी फिल्ले भी होती है, उनको भी मैं दिखाऊंगी आपको। और ये है चंपू, नमस्ते चंपू, सबको नमस्ते। ये रोशन हल्दार, और अब वरुण के दादा, और इनको तो आप जानते हैं, चेहरा दिखाओ। नमस्ते,
ये हमारे ड्राइवर थे सुंगरी वाली वीडियो में पर ये ड्राइवर नहीं है, ये ड्राइवर नहीं है, पर हमने ऐसे ही ले गए थे इनको। ये है केवल राम, और ये है बत्तूदाई। नमस्ते भैया। नमस्ते है। अब बोलो आप भी कुछ इनको। इनको तो क्या बोलूं, इनको रास्ता बना रहे, बढ़िया कर रहे हैं, मार घास कर रहे हैं, घुस रहे हैं। ये देखो दराटी को तेज कर, ये देखो दराटी को तेज कर रहे हैं मेरी चाची की आवाज, मेरी दराटी को, और ये मेरी दराटी है, इसको भी तेज करने के लिए। ना इनको बोलते हम बधाई, सब हमारे बच्चे बोलते बधाई, हम भी बोलते बधाई, हमारे पति बोलते बधाई, सबकी दाई, माँ की दाई, पापा हो चाहे दादा हो चाहे पोता हो, और सबकी ये दाई है। और ये है रानी, और पीछे से एक ग्रुप आ गया है, और ये गिल्टे वाला ग्रुप है। और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और ये है केवल राम की वाइफ जो किल्टे वाले हैं, और ये शायद उनके भाभी जी हैं। हाँ भाभी, ये भाभी जी, बड़ी भाभी। और नमस्ते, हम घास पराठी दिखा रहे हैं। हाँ इसी दिन सफाई कर रहे थे भांग की। हाँ जो हमारे बोलते बिच्छू घास, बिच्छू और किमसी बोले गए, क्या करना, किमसी मतलब एक सुधारने की चीज है वो। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने बिच्छू बुट्टी का स्वाद नहीं चखा होगा। सबको लगी हुई, और सभी सुध रहे हैं उससे। बबली तूने भी खाई किमची बचपन में? नहीं, आपकी मम्मी ने नहीं मारी, आप शरीफ थे। बाकी हम सारे बदमाश थे, हमारे को पड़ी हुई है। किमची मिलाती हूँ आपको मेरे देवर जी संजीव रांझक से आपको, और इनके हाथ में भी कुछ है तो मैं इनसे पूछूंगी कि ये किस लिए है, और इनका स्वागत भी करते हैं हम, क्योंकि और दिन इनकी वाइफ आते हैं और मामा आते हैं, यानी कि बुआ जी, वो नान, नान को तो आपने सभी ने देखा है, तो पूछते हैं इनको ये आज क्यों आए हैं, क्योंकि वो क्यों नहीं आए। तो ये है संजीव रांझा, और इनके हाथ में है दर्राट। तो नान और योगिता क्यों नहीं आए? आज मैंने सोचा कि मैं भी अपना योगदान देता हूँ गांव के भलाई के लिए, गांव में जो भी कुछ सफाई करनी है या जो भी कुछ रास्ते बनाने हैं या झाड़ियाँ काटनी है, तो मैंने भी सोचा चलो जब हम घर में होते हैं तो अपना योगदान दे सके, दे सके, तो इसलिए आज मैंने खुद अपना मतलब अब खुद आना चाहा, खुद आना चाहा। हाँ, और ये मतलब एक बहुत अच्छा काम होता है, जबकि आप जॉब भी करते हैं, जब घर में होते हैं तो योगदान देते हैं, जो भी छोटा मोटा योगदान हो सके हमारा, फिजिकल योगदान वो देते हैं हम। वैसे तो हम बाहर रह के भी चाहते हैं कि गांव को कुछ ना कुछ कर सके, बट वही है कहीं अब बिजी रहते हैं। हाँ बिजी रहते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो अभी टाइम है क्योंकि समर वेकेशन चली है आजकल, तो ये घर में है, तो ये टीचर है, तो आजकल ये छुट्टियों का भरपूर आनंद ले रहे हैं घर में। और ये है हमारा नव युवक मंडल, और अभी हम आधी ही लेडीज यहाँ आए हैं और कुछ जेंट्स, तो हम औरों का भी वेट कर रहे हैं, तो जब तक वो आते हैं तो अब हम देखते हैं, तब तक देखते हैं अजीता की नाटी। अजीता को तो बेचारे को डांस तो लगाओ, अरे ना वो तो लगाओ। ये बिना धुन के नाच रही है। अपने गोरे हाथों रा, ओ मेरे
तो जब अजीता पहाड़ी डांस कर रही थी तो उसी टाइम गांव की सभी महिलाएं पहुंच चुकी थी और हम सभी ने डिसाइड किया है कि सबसे पहले इस बड़े से मैदान से ही हम सफाई अभियान शुरू करेंगे और क्योंकि यहां पे मेला होगा आगे और यहां पे हमारे देवता जी आएंगे तो उस टाइम के लिए हमें इसे साफ़ करना है और उसके बाद जाएंगे हम दूसरी जगह। तो हमारा जो सफाई अभियान है वो शुरू हो चुका है। ये हमारे ग्राम पंचायत के मेंबर है अजीत रांझा और इनके साथ है यहाँ पे हमारे महिला मंडल की प्रधान नीलमा देवी और इनको तो जानते हैं। ये संजू है मेरे देवरानी और ये शारदा है तो मैं इनको और ये बिमला देवी रांझा है और ये है तली रांझा और इनके साथ पीछे को है बबली रांझा और ये है सुषमा रांझा और आपका नाम ये सुमन है और इसके साथ ये मेरे जेठानी जी आशा मेहता और ये तो बत्तूदाई है और ये है रानी देवी जो इस अभियान में हिस्सा बनी हुई है और ये है हमारे जो प्रधान है पंचायत के उनके पापा। ये भी हमारे पंचायत से जुड़ी हुई एक मेंबर ही सोचो आप, इनका नाम है सोबी देवी और ये है कमला देवी कमला रोल्टा और ये गुंजन भद्रैक है, ये भी सफाई अभियान में हिस्सा ले रही है। आपका नेम? और ये है प्रिया और ये है जुबला, जुबला ये भी सफाई अभियान में है और ये रीना, रीना भी आज इसमें हिस्सा ले रही है। सरिता रंजा और इसके साथ ही हमारे यहाँ पे देखो बैठे हुए हैं काकी राजमा कमला देवी, तुम क्या कर रहे हो? चलो बैठो, चलो कर रहे हैं अभी हाँ थोड़ा ये क्योंकि ये बहुत ज्यादा चढ़ाई चढ़ के आए तो बेचारी का रेस्ट का तो बनता ही है और रेस्ट के बाद देखना इनका काम मतलब सुपर होगा। और ये जो सफाई अभियान शुरू हुआ है अभी ये ग्राम पंचायत नारायण के द्वारा गांव शरण की महिला मंडल के द्वारा किया जा रहा है और इस सफाई अभियान में गांव की सभी मौजूद हैं और अभी तो हम यहाँ ही जहाँ पे हमारा ये मैन मैदान है और यहाँ पे नव युवक मंडल है तो यहीं से ही हमने सफाई अभियान शुरू किया है और इसके बाद हम जाएंगे जो हमारे दूसरे रास्ते हैं उनको भी साफ करेंगे। तो जो ये अभियान है ये हमेशा इस महीने में ही चलता है और वैसे तो आगे पीछे भी हम सफाई करते हैं लेकिन जो ये बरसात का महीना होता है इसमें पूरा गाँव मिलकर सफाई भी डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन कौन सी महिलाएं कहां कौन से रास्ते की सफाई करेंगे तो कौन सा ग्रुप किधर साइड जाएगा तो ये तो कल की वीडियो में ही डिसाइड होगा। क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं इसी के साथ ही आज की वीडियो यहीं क्लोज करती हूँ। तो बताएं कैसी लगी आपको मेरी ये आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हाँ जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।